एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। जिले में हाथी रोग के 5144 मरीज, विभाग की अनदेखी से नहीं हो पा रहा नियंत्रण। भंडारा राष्ट्रीय हाथी रोग नियंत्रण योजना जिले में चलाई जाती है, फिर भी अभी तक इस योजना को हाथी रोग नियंत्रण से सफलता नहीं मिली है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया सहित अन्य जिलों में यह बीमारी अधिक पैमाने में दिखाई देती है। हाथी रोग ग्रस्त जिले में चलाई जाने वाली इस योजना के मुख्य चार सेवाएं दी जाती है। इसमें मच्छरों के लार्वा की समाप्ति करने की मुहिम, बैक्टीरिया वाहक व्यक्तियों का उपचार, हाथी रोग ग्रस्त क्षेत्र में सभी की डीईसी उपचार तथा अंडकोश में सूजन होने पर ऑपरेशन तथा नसबंदी की जाती है। जिले में हाथी रोग जांच का लक्ष्य 1,04,400 दिया गया था, जिसमें 10,57 जांच की गई। इसमें से 84 मरीज पॉजिटिव दिखाई गए। 1,816 अंडकोश सूजन में मरीज, हाथी पाव सूजन में 2,282 मरीज सहित कुल 5,144 मरीज खोज मुहिम में पाए गए। 5 अगस्त यह हाथी रोग दिन के रूप में मनाया जाता है। इस बीमारी नियंत्रण की सरकारी स्तर में प्रयास जारी होने पर भी वह कम पड़ने का इसमें से दिखाई देता है। हाथी रोग यह बीमारी क्लूकेस प्रजाति के मच्छरों से काटने से होती है। इस बीमारी का सक्रिय होने के पश्चात इसके लक्षण शीघ्रता से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु संबंधित व्यक्ति के शरीर में जीवाणु के बड़े पैमाने पर वृद्धि होने पर पश्चात इस बीमारी की जानकारी होती है। इस उपचार के तहत वर्ष से एक बार सामुदायिक औषधोपचार, एक जंतुनाशकीय औषधोपचार की मुहिम एक दिन चलाई जाती है। हाथी रोग मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शरीर की आई विद्रुपता ऑपरेशन से माध्यम से दूर की जा सकती है, किंतु संबंधित विभाग इस कार्य में सक्रिय नहीं होने से इसका लाभ यह रोगी नहीं ले पा रहे हैं। पिछले वर्ष भर में केवल अंडकोश के ही 329 मरीज के होने के ऑपरेशन किए गए हैं। इस कारण से मरीजों का आंकड़ा 5,144 तक आ गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।